नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। कोरोना के इस दुष्कर समय में आप अपनी फैमिली को, अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो, ये डिमांडेबल वीडियो, उसको डिमांड किया है मिस्टर करण जी ने हमसे पूछा है कि सर, एक CCTV ऑपरेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसको ज़रा बताइए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आपने मांगा और हमने दिया। आपके भी दिमाग में अगर कोई डाउट वगैरह है सिक्योरिटी संबंधित किसी भी टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपना क्वेश्चन कीजिए। और साथ साथ बताइए कि आप कौन सी सिटी से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा हमारी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि एक CCTV ऑपरेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब फ्रेंड्स, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपने क्रिकेट में एक चीज़ देखी होगी। एक क्रिकेट में दो तरह के अंपायर होते हैं, दो अंपायर होते हैं एक फील्ड पे होते हैं और एक अंपायर होता है जो थर्ड अंपायर होता है। थर्ड अंपायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अंपायर है, ठीक है, उसके पास सारे जो मैच है उसकी फुटेज वगैरह है। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम का, मोमेंट का, उसको फुटेज वगैरह चाहिए होगा तो वो अंपायर तुरंत प्रोवाइड कर सकता है और फील्ड वाले अंपायर से बेहतर तरीके से एक थर्ड अंपायर डिसीजन दे सकता है। उसी तरह से एक प्रीमाइसिस में दो तरह की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के दो टाइप, एक जो टाइप होता है फिजिकल सिक्योरिटी का होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का। फिजिकल सिक्योरिटी में आपके जितने भी सुपरवाइजर सिक्योरिटी गार्ड का स्टाफ है ना, वो आते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिक्योरिटी पर्सनल, और आपका CCTV ऑपरेटर और आपके जो कैमरास वगैरह है ये आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में। तो आपका अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि CCTV ऑपरेटर कौन से सिक्योरिटी का हिस्सा है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब आइए जानते हैं कि इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं रोल को। कितने लोग तो कन्फ्यूज होते हैं कि रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब पहले रोल को समझने के लिए एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब आपके प्रीमाइसेस में जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनका एक सुपरवाइजर होता है। अब ये सुपरवाइजर है, ये तो इसकी डेजिग्नेशन है, इसकी पोस्ट है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है? तो इसका रोल है लीडर का। ये क्या करता है, अपने जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल है, सिक्योरिटी गार्ड, इसको करता है लीड करता है कि आपको कैसे काम करना है। तो वैसे एक CCTV ऑपरेटर होता है, CCTV ऑपरेटर तो एक डेजिग्नेशन हो गई, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल है ऑपरेटिंग ऑल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑपरेटिंग ऑल सिक्योरिटी इक्विपमेंट क्या है, उसका रोल है, वो ऑपरेटर है। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। अब आइए जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक आपका मेन बेस वर्क और दूसरा होता है आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, एक CCTV ऑपरेटर का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पंक्चुअलिटी, और इसके बाद हैंड ओवर और टेक ओवर, पंक्चुअल मतलब है आपको समय का पाबंद होना है, आपको वक्त पर आना है, आपकी ड्यूटी और वक्त पे आपको ज्वाइन करनी है। मान लीजिए आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, 7 बजे की शिफ्ट है, तो आपको 6:30 पे आना है। अब आधे घंटे आके आप पहले क्या करोगे, तो फ्रेंड्स इसमें 15 मिनट को डिवाइड कर दीजिए। ये पहले जो 15 मिनट है आप अपने ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट कीजिए। टाइम में वहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। जो आप टाइम को इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पर मिलता है
रिटर्न। तो आप अपनी ग्रूमिंग, मतलब आप इतने दूर से ट्रैवल करके आएंगे तो आपके कपड़ों की और आपकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। आप अपने कपड़ों को और अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। ये 15 मिनट आप हैंड ओवर और टेक ओवर में बिताइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो साथी है, आपका जो कलीग है, वो आपको आराम से हैंड ओवर प्रॉपरली समझा देगा क्या क्या दिक्कतें हुई थी रात को और क्या क्या नहीं हुई थी, और आपको अब पूरे 8 घंटे में क्या क्या परफॉर्म करना है। तो इससे क्या होता है, आपके और आपके साथी के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है और कंपनी में आपका जो इमेज है, इम्प्रेशन है, वो अच्छा पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा काम करता है और हमेशा टाइम पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, आपकी पहली जिम्मेदारी हो गई पंक्चुअलिटी की, और दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपको हैंड ओवर टेक ओवर प्रॉपरली लेना है। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब आइए बढ़ते हैं मेन काम की तरफ से। ये आपकी प्राइमरी चीज़ है, आपको यही करना है हमेशा। जो दूसरी जो ड्यूटी है आपकी, वो क्या है, आपकी टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पास क्या क्या है, आपके यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं उनका नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड देयर फंक्शन। तो आपके भी प्रिमाइसिस में जितना भी इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, अभी यहाँ पे सिक्योरिटी इक्विपमेंट से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सीटीवी सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे आपको पता होना चाहिए भाई DVR क्या होता है, NVR क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्विच क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि केबल कौन सा इंस्टॉल होता है, आपको पता होना चाहिए कि DVR का फंक्शन क्या है, NVR का फंक्शन क्या है, स्विच का फंक्शन है, केबल का फंक्शन क्या है, और मॉनिटर पे जो फ्रेम है वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको हमेशा पता होनी चाहिए, उसको आपको बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। आपको जो कैमरेज आपके प्रिमाइसिस में इंस्टॉल है कैमरा, तो टाइप ऑफ कैमरा कौन सा है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसमें किस तरह का लेंस वगैरह लगा हुआ है, वेरीफोकल लेंस है या फिक्स्ड लेंस है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो नाइट व्यू वाला कैमरा है कि नहीं है, डे व्यू वाला कैमरा है कि नहीं है, तो इसकी आपकी प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए। तो आपको अगर इक्विपमेंट की जानकारी होगी तो आपका जो काम बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो इक्विपमेंट कैसे फंक्शन वगैरह करना चाहिए करता है। तो हैविंग गुड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड देयर फंक्शन इज आपका पहला टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरा, अब इतनी सारी व्यवस्थाओं से आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, इन व्यवस्थाओं से फुटेज रिकॉर्ड करेंगे। तो जो फुटेज आप रिकॉर्ड करेंगे उसको आपको मेंटेन करना है। तो दूसरा काम क्या है, मेंटेनिंग फुटेज लाइब्रेरी। आप फुटेज लाइब्रेरी जितने, अब क्या होगा, आप देखिए पूरे साल भर आप पूरे महीने भर रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फुटेज कभी भी आपके एडमिन, आपके जो वहाँ पे एम्प्लॉयर हैं, कभी भी मांग सकते हैं कि हमको इस दिन की फुटेज चाहिए, क्या पता उनको कुछ गड़बड़ी वगैरह मिल गई हो तो उसकी फुटेज उनको देखनी हो, तो आप कैसे ये कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। अब कैसे मेंटेन करना, जरा इसको देखिए। इसे मान लीजिए 2021 का फुटेज है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अब डेटा जो होता है हार्ड डिस्क में सेव होता है, पहले ये आपका कैसेट्स में सेव होता था, आज ये हार्ड डिस्क में सेव होता है। हार्ड डिस्क बहुत बड़ी बात है, 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क को आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। अब आपको फोल्डर देखिए कैसे क्रिएट करना है, आप फोल्डर क्रिएट करेंगे 2021 इस नाम से, इसके अंदर आप फोल्डर क्रिएट करेंगे मंथ का, तो जैन फेब मार्च, इस तरह आप दिसंबर तक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अब जैन के अंदर, अब जैन 31 का है तो उसके अंदर आप 31 फोल्डर क्रिएट करेंगे, मतलब एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख, पांच तारीख, और इसी तरह से आप पूरे दिसंबर तक फोल्डर क्रिएट करके रखेंगे। तो जैसे आपका एक तारीख का रिकॉर्डिंग हो गया तो आप क्या करेंगे, इस डेटा को, मतलब जिस भी मंथ का डेटा है, जिस दिन भी दिन का डेटा है, उस वाले फोल्डर में जाके सेव कर देंगे। तो जब भी आपका एम्प्लॉयर आपसे फुटेज वगैरह मांगेगा तो आपके लिए बड़ा ही आसानी से आप उसको फुटेज निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, मेंटेनिंग फुटेज लाइब्रेरी आपने अच्छे से मेंटेन वगैरह किया है। तो इसलिए आपका दूसरा फंक्शन क्या हो जाता है, दूसरा काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि मेंटेनिंग फुटेज लाइब्रेरी, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। अब तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन है आपका, तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, तीसरा फंक्शन आपका हो जाएगा अपडेटिंग सेटिंग। आपको जितनी भी सेटिंग्स है अपडेट करते रहना है, अपडेटिंग सेटिंग आपके जी। अब देखिए क्या होता है सिस्टम में, सेटिंग से चलता है। आप देखिए कैसे सेटिंग होती है, एक सेटिंग होती है मोशन सेटिंग, एक होती है शेड्यूल सेटिंग, ठीक है, अब मोशन सेटिंग, और एक होता है रेगुलर सेटिंग। ठीक है, अब मोशन सेटिंग क्या है, शेड्यूल सेटिंग क्या है, रेगुलर सेटिंग को समझ लीजिए। अब क्या होता है, अब आपके प्रमाइस से बहुत सारे इलाके ऐसे और ऐसी चीज़ें कॉर्नर होती हैं जहाँ पर मूवमेंट बहुत कम होता है। अब जैसे स्टेयर केस को देख लीजिए, यहाँ पर दिन के समय में आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट दिख जाएगा और नाइट में आपको बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने कैमरे इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग रखनी है मोशन डिटेक्टर वाली, मतलब अगर जब भी इस प्रमाइसिस में, इस स्टेयर केस पर कोई आएगा, पर्टिकुलर उस समय के लिए ही रिकॉर्डिंग चालू होगी, क्योंकि आपको इतना ही जानना है कि वहाँ पर आया कौन था। ठीक है, और वो जितना भी मूवमेंट वगैरह, जितना भी हिल डुल करेगा, वो पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप क्या सेटिंग रखिए, मोशन डिटेक्टर वाली सेटिंग रखिए। अब शेड्यूल शूटिंग क्या है, अब देखिए आप प्रीमाइसेस में जो काम का शुरू होता है 7 बजे से ही शुरू हो जाता है। 7 बजे से आपका सिक्योरिटी स्टाफ, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ और आपके जो कंट्रोल रूम के लोग हैं, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और प्लम्बिंग डिपार्टमेंट के जो हैं आपके बीएमएस के लोग हैं, आना शुरू हो जाते हैं, शिफ्ट यहीं से हैंडल ओवर शुरू हो जाती है। तो इस समय आपका करना ये है, अब जो आप सेटिंग रखेंगे, शेड्यूल सेटिंग, मतलब 7 बजे से जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए, जितने भी इम्प्लॉय वगैरह है आपके, जितने भी इंडोर कैमरा लगे, आउटडोर कैमरा लगे हैं, वो आपका रेगुलर पूरा पूरा का पूरा चीज़ें आपका वहाँ पर वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जैसे ही 6 बज जाएगा, शाम का 6 बज गया, अब अभी ये शेड्यूल सेटिंग किया हुआ है इसलिए ये चला जाएगा मोशन डिटेक्टर सेटिंग पे, मतलब केवल जब मोशन होगा तभी चीज़ें आपकी वहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। इससे क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपका हार्ड डिस्क का जो स्पेस है ना, स्पेस वो बचता है। अब फालतू की 24 आवर की सेटिंग सब जगह करना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आपको ये सेटिंग पता होना चाहिए। एक होता है रेगुलर सेटिंग, अब मान लीजिए आपके जो जैसे मेन गेट है, ठीक है, बैक गेट है, यहाँ पर आपको 24 आवर ज़रूरी है कि आप वहाँ पर सेटिंग करके रखें, ताकि आपको हर पल की ज़रूरी, मतलब आपके यहाँ पे गेट में रात में जितनी गाड़ियाँ आएँ, कितनी गाड़ियाँ गई, कौन आया कौन नहीं गया, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसलिए जो गेट वाले जो कैमरे हैं ना, उनकी सेटिंग आप रेगुलर भी कीजिए, बाकी आप शेड्यूल सेटिंग और मोशन सेटिंग कीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो सिस्टम है उसकी सेटिंग आपको करनी है। तो आपका तीसरा फंक्शन क्या होगा, अपडेटिंग सेटिंग, आपके यहाँ पर जितनी भी सेटिंग वगैरह है, लेकिन जब सेटिंग करेंगे तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपके जो एडमिन वगैरह हैं, उनको कॉन्फिडेंट में, उनकी जानकारी में चीज़ें कीजिएगा कि मैंने ऐसी ऐसी सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ या कर रखी है। क्या पता आपको ऐसा लग रहा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चौथी जो टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। अब आपके इक्विपमेंट चलेंगे एक पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल्ड रहेंगे तो वहाँ पर क्या आएगी, गंदगी आती है। अब भले आप एसी में हो, कहीं भी हो, लेकिन क्या होता है, डस्ट से आप नहीं बच सकते, और डस्ट जो होता है ना इक्विपमेंट का, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। नॉर्मली इसी की वजह से इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या करना है, आपकी जो वहाँ पर जिस, अब क्या होता है, कंपनियाँ जिससे आप सीसीटीवी कैमरा बाय करती हैं, खरीदती हैं, उसी कंपनी को उसका मेंटेनेंस भी वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट भी उसको देती है।
तो उन टीम को आपको बुलाना है। पहले तो आपको चेकलिस्ट वगैरह बना के रख लेनी है कि किन किन जगहों की आपको मेंटेनेंस करवाना है, कितने दिन में करवाना है, ताकि आपका जो रेगुलर जो रूटीन है फंक्शन वगैरह भी चलते रहे और चीज़ें डिस्टर्ब भी नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये मेंटेन भी करवाना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट भी आपका टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, टेक्निकल आपको नॉलेज, आपको टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने समझ ली, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेन ड्यूटी आप समझ लीजिए, आपकी मेन ड्यूटीज क्या है, मेन ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ लीजिए। अब आप एज ए सीसीटीवी ऑपरेटर आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीमाइसेस, आपकी कोई भी शिफ्ट हो आप सीसीटीवी रूम में बैठे बैठे सारे स्क्रीन की मदद से, सारे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आप क्या करेंगे, पूरे प्रीमाइसेस में एक वॉच रखेंगे, आप नज़र बनाकर रखेंगे। जैसे ही कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह होता है आप तुरंत सिक्योरिटी टीम को उसकी खबर देंगे ताकि उस पर जल्दी से एक्शन ले जा सके, ताकि जो डैमेज वगैरह हो, जो नुकसान वगैरह हो, उसको कम से कम मिनिमाइज किया जा सके। तो ये मेन ड्यूटीज़ है आपकी एज ए सीसीटीवी ऑपरेटर, और आपकी लास्ट ड्यूटी भी यही है। तो आपकी मोरल, आपकी टेक्निकल और आपकी मेन ड्यूटीज़ हो गई, ये फंक्शन आपके करने पड़ते हैं एज ए सीसीटीवी ऑपरेटर। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।